तो हमारे पास एक बीम है, कैंटिलीवर बीम, जिसके अंदर कांस्टेंट ई आई है, फ्री एंड के ऊपर लोड डब्ल्यू अप्लाई हो रहा है। हमने यहाँ पे थीटा बी को कैलकुलेट करना है, इसकी टोटल लेंथ एल है। अब अगेन हमें यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम को कैलकुलेट करना होगा। लेकिन देखें यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है, दरमियान में कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, और फ्री एंड के ऊपर लोड डब्ल्यू अप्लाई हो रहा है, तो जस्ट हम यहाँ पे एक सिंगल सेगमेंट बनाएंगे। ठीक हो गया? हमें सेगमेंट बनाने की, ये मैं आपको पहले कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें सेगमेंट बनाने की जरूरत वहां पे पेश आती है जहाँ पे एक मोमेंट के अंदर वेरिएशन हो। जैसा कि ये कैंटिलीवर अगर बीम है और इसके फ्री एंड के ऊपर लोड डब्ल्यू अप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो सिंपली एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे जो मोमेंट है वो अब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे जो मोमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स, हम उसको उन द फॉर्म ऑफ एक्स हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? हमें सेगमेंट्स वहां पे बनाने पड़ते हैं जहाँ पे एक दरमियान में कोई लोड अप्लाइड हो, कोई सपोर्ट हो। ठीक हो गया? और लेट से उसका जो बेंडिंग मोमेंट बने वो कुछ इस तरीके से बने कि दरमियान में कुछ चेंज इन द मोमेंट हो। ठीक हो गया? और सिंगल एक्सप्रेशन में हम मोमेंट को एक्सप्रेस ना कर सकें। ठीक हो गया? तो फिर हम वहां पे फिर सेगमेंट्स बना लेते हैं। ठीक हो गया? अब क्योंकि प्रेजेंट केस में हमारे पास एक सिंपल केस है जिसमें एक यूनिफॉर्म वेरिएशन इन द मोमेंट है, इसलिए हम एक सिंगल मोमेंट बनाएंगे। अब एम को कैलकुलेट करने के लिए फ्री एंड के ऊपर लोड डब्ल्यू अप्लाई करेंगे और ओरिजिन हम बी को सेट करेंगे। ठीक हो गया? हमने फिक्स एंड के ऊपर मोमेंट एम ए को कैलकुलेट करना है, और हमारे पास अब यहाँ पे देखें दो फोर्सेस हैं, एक ये अप्लाइड लोड है और एक सपोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट एम प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जरा नोट करें, जब हम सेक्शन लेते हैं तो जहाँ पे सेक्शन कट करेंगे तो वहां पे एक इंटरनल मोमेंट एम हम अप्लाई करते होते हैं। ठीक हो गया? जब हम सेक्शन कट नहीं करेंगे तो वहां पे फिर कोई इंटरनल मोमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा, या तो फिक्स सपोर्ट की वजह से उस बीम के अंदर मोमेंट एक ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया? या तो फिर उसके मिडल में मोमेंट प्रोड्यूस होगा, एंड्स के ऊपर कोई मोमेंट नहीं होगा। हमारा पर्पस ये होता है कि हमने उस बीम के ऊपर जो टोटल मोमेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अभी आगे इसका केस आएगा। ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, और अगर हम इसका सिर्फ एक सेगमेंट बनाएंगे तो इस सेगमेंट में हमने जब कट नहीं करना होता तो कहीं पे मोमेंट इंटरनल मोमेंट नहीं होगा। इसी तरह ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसके बोथ एंड्स के ऊपर क्यों कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। ठीक हो गया? लेकिन जब लोड अप्लाई हो रहा होगा लेट से, ठीक हो गया, तो इसके अंदर एक मोमेंट तो जनरेट होगा क्योंकि लोड अप्लाइड है। हमने मोमेंट के लिए एक्सप्रेशन एम को भी कैलकुलेट करना है, तो हम एक्चुअली ये करते हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर खुद से सेक्शन कट कर लेते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि ये जो एम है ये मैक्सिमम यहीं पे होगा। ठीक हो गया? इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जिस एंड के ऊपर चेंज होती जाएगी ये उसी के मुताबिक वेरिएट होता जाएगा। ठीक हो गया? लेट्स से अगर एक्स का ओरिजिन हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो इस तरह से जैसा जैसा जाएगा वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगेन हम एक्स की वैल्यू ज्यादा पुट करते जाएंगे, मूवमेंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया? तो या तो हमारे पास जब फिक्स एंड के ऊपर एक मूवमेंट है तो फिर फिक्स एंड के ऊपर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक हो गया? या सिंपली सपोर्टेड बीम है तो फिर जहां पे मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां से हम खुद से सेक्शन कट करेंगे। ये अभी आगे आएगा, इसकी हम मजीद एक्सप्लेनेशन वहीं पे चल के देखेंगे। तो हमने सिंगल सेगमेंट बनाया है, यहाँ पे दो फोर्सेस थी, डब्ल्यू एम फिक्स एंड की वजह से मोमेंट एम था, तो हमारे पास दोनों यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक हो गया? एम भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इसको, डब्ल्यू भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दोनों नेगेटिव होंगे, और हमारे पास माइनस एम माइनस डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस एक्स डब्ल्यू एक्स हो जाएगा।
एम इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। सर माइनस एम बी पे हमने लिया जी है सर, माइनस एम हमने बी पॉइंट पे लिया है कि जो ए इस पे है वो पॉइंट के एम लिए डी है, है। इस पॉइंट के लिए एम ए के लिए है। हाँ अब देखिए ना यार, अब देखिए सर, एक्स हमने ओरिजिन बी के ऊपर सेट किया हुआ है, बी एक फ्री एंड है, ठीक हो गया। अगर हम एक्स की वैल्यू बी के ऊपर पुट करेंगे तो हमें बी के ऊपर मूवमेंट आ जाएगा। अब अगर बी के ऊपर पुट करें, बी के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है बताओ जरा, बी पे जीरो होगी और जीरो है ओरिजिन तो जो मूवमेंट लिया। जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। जी सर, यस सर। जी इसी तरह एक्स की सर, वैल्यू ए के ऊपर आके मैक्सिमम होगी तो एम की वैल्यू ए के ऊपर मैक्सिमम होगी, ठीक हो गया। ओके सर। अब स्मॉल एम को कैलकुलेट करने के लिए जिस पॉइंट के ऊपर हम रोटेशन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पॉइंट बी के ऊपर, वहां पे हम यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब पॉइंट बी के ऊपर हमने यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया है 1 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक हो गया। क्योंकि दूसरा एंड एक फिक्स्ड एंड है तो वहां पे भी एक मोमेंट एम प्रोड्यूस होगा, तो एम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, अब दोनों एंड्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट्स हैं, कोई और फोर्स नहीं है, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में है तो +1 होगा, और ये एम हमारे पास क्लॉकवाइज में है, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे जरा देखें, कुछ कुछ कंफ्यूजन आपको शायद ये हो कि रोटेशन के लिहाज से हम ये पॉइंट जहाँ पे मेंशन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि रोटेशन भी इसी पॉइंट के अलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर हम यस व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको देखें, हमारे पास ये फिक्स्ड एंड है, जब इस एंड के अलॉन्ग, लेट्स से ये पॉइंट ए है, इस एंड के अलॉन्ग इसको रोटेट कराएंगे तो ये हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट होता जाएगा, ठीक हो गया। या फिर इसके ऊपर अगर ये अगर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो, ठीक हो गया, अगर इसके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो तो फिर ये इस एंड के साथ यहाँ पे ये रोटेट होता जाएगा। मीन्स दैट के पॉइंट ए अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, पॉइंट बी जो होगा, पॉइंट बी वेरिएट होता जाएगा, ठीक हो गया। जी सर, हाँ जी, अब यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब देखें पॉइंट बी के ऊपर डब्ल्यू बी अप्लाई हो रहा था, क्योंकि रोटेशन अबाउट पॉइंट ए है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रोटेट होगा, तो इस डायरेक्शन के लिए क्लॉकवाइज है, नेगेटिव होगा। और इसी तरह जब बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स पॉइंट हमने लगाया हुआ था, ठीक हो गया, तो वो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया हुआ था तो वो भी नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया हुआ था इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, और एम हमारे पास नेगेटिव है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस एम प्लस वन, हमारे पास एम के लिए एक्सप्रेशन -1 आएगा। अब हम इनको पुट करेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यूज, कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू एक्स है, स्मॉल एम की 1 है, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव नहीं है क्या, पॉजिटिव है क्या, ये हमने गलत लिख दिया है, ठीक हो गया। इस एम को हम इक्वेशन की दूसरी साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एम विल बी 1, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस लगेगा, इसके साथ पॉजिटिव लगेगा, ठीक हो गया। यस ये हमारे पास यहाँ पे ये +1 बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, क्लियर। यस सर, जी अच्छा सर, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, वेरिएबल को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, बाकी जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल के लाएंगे, तो माइनस डब्ल्यू और ई आई को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आए हैं, एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे x²/2। अब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो लोअर लिमिट इसकी अपर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट एल है, l²/2 माइनस सेकेंड 0 हो जाएगी, तो हमारे पास -WL²/2EI। अब देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन में नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने का मतलब यह है कि हमने जिस डायरेक्शन में यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया है रोटेशन उसके उलट हो रही है, ठीक हो गया। हमने देखते हैं, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया है यूनिट रोड को,
और नेगेटिव आंसर आया है, इट मींस दैट कि जो रोटेशन हो रही है इसके अपोजिट हो रही है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, जैसा कि यहाँ पे शो की गई है। ठीक हो गया, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा -WL² / 2EI। क्लियर? जी सर। सर जो थीटा होगा वो तो फिक्स एंड ए पे नहीं होगा, नहीं, फिक्स्ड एंड ए के ऊपर नहीं बी होगा यार, हमने कैलकुलेट ही बी के ऊपर करना है, ये तो हमें गिवन है। ठीक हो गया, ये तो हमें स्टेटमेंट के तो अंदर उसने बताया था कि हमने बी के ऊपर थीटा को कैलकुलेट करना है। यस दोबारा अगर आप सर। देखें, सर रोटेट तो ए पे करेगा ना, यानी कि फर्स्ट पोजीशन और जो बेंडिंग नहीं पोजीशन नहीं है उन नहीं दोनों के देखिए, दरम्यान एंगल नोट ए करना है। पॉइंट उसका फिक्स्ड एंड है। ठीक हो गया, ए पॉइंट के अंदर उसकी कोई रोटेशन नहीं होगी, ए पॉइंट से आगे जाके कहीं उसकी रोटेशन स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, यही तो फिक्स सपोर्ट ठीक होती है। फिक्स सपोर्ट के ऊपर ना ट्रांसलेशन होगी, ना वर्टिकल मोमेंट होगी, ना उसके अंदर रोटेशन होगी। ठीक हो गया, तो पॉइंट ए के ऊपर अगर आप थीटा कैलकुलेट भी करना चाहें, ठीक हो गया, सेम प्रोसेस है, जस्ट आपने मोमेंट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक हो गया, आप खुद से कर सकते हैं, मोमेंट यहाँ पे अप्लाई करें, हमने यहाँ पे किया था। ठीक हो गया, यहाँ पे तो हमें ठीक सर। स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि फाइंड द यूनिट लोड मेथड द स्लोप थीटा बी। ठीक हो गया, तो थीटा बी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। पॉइंट ए के ऊपर यहाँ पे जीरो होगी, ओके यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। हाँ जी, क्लियर? ओके सर। जी सर क्लियर। यस सर। सर अच्छा, इसी तरह एग्जांपल 2.7.2 है, फाइंड बाय द यूनिट लोड मेथड द स्लोप थीटा ए और थीटा बी ऑफ सिंपल बीम ए बी शोन इन फिगर। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक सिंपल बीम है, हम जिसके ऊपर लोड डब्ल्यू पर यूनिट डिस्टेंस अप्लाइड है, टोटल डिस्टेंस एल है और इसकी ई आई कॉन्स्टेंट है, हमने थीटा बी को कैलकुलेट करना है या थीटा ए को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सिमेट्रिकल बीम है। ठीक हो गया, यहाँ पे एक सिमेट्रिक लोड अप्लाइड है, तो इस केस में जो थीटा ए या थीटा बी होगा वो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन चूंकि दोनों अपोजिट एंड्स के ऊपर हैं इसलिए अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक हो गया, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि दो अपोजिट एंड्स के ऊपर हैं। लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यही है कि इसकी जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसकी जो रोटेशन है, वो किस डायरेक्शन में गई है, ये भी हम आगे चल के देखते हैं। हमने थीटा ए या थीटा बी को किसी एक को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सेगमेंट्स कितने लेने हैं, यहाँ पे एक यूडियल लोड अप्लाइड है। ठीक हो गया, जब यूडियल लोड के केस में हम बेंडिंग मोमेंट को ड्रा करें, हमारे पास एक यूडियल लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो यूडियल को जब हम बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे तो मिड स्पैन के ऊपर मोमेंट मैक्सिमम होता है, एंड्स के ऊपर जीरो होता है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो हमें यस ये कैपिटल एम एम कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, अब जिस तरह प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि आप किसी एक एंड से जब एक्स लेंगे, एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, मोमेंट उसी के मुताबिक वेरिएट करता जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमारी एक्स मोमेंट की इक्वेशन ही इन द फॉर्म ऑफ एक्स बनती है। जब अगर ये ओरिजन है, ओरिजन के ऊपर एक्स जीरो है तो जीरो हो जाएगा, अगेन इस पॉइंट के ऊपर आके अगर सपोर्ट ही सपोर्ट है, मोमेंट जीरो होगा, ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसल हो के अगेन यहाँ पे जीरो हो जाएगा और इस डिस्टेंस के ऊपर आके मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी हमें जस्ट वन सेगमेंट बनाना है। ठीक हो गया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि प्रीवियसली हम टू टू बना रहे थे, उसकी रीजन ये थी कि वहां पे हमें बताया ये गया था कि हमने इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन जब कैलकुलेट करनी थी तो ऑटोमेटिकली हमें सेगमेंट फिर दो लेने थे। ठीक हो गया, यहाँ पे चूंकि डिफ्लेक्शन जो है रोटेशन वो हमने कैलकुलेट ही एंड्स के ऊपर करनी है, दरमियान के साथ हमारा कंसर्न नहीं है, इसलिए जस्ट हम वन सेगमेंट ले रहे हैं। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास टोटल लोड W है पर यूनिट डिस्टेंस, तो लोड W L हो जाएगा टोटल, और हाफ इस एंड के ऊपर आएगा, हाफ इस एंड के ऊपर आएगा।
ठीक हो गया, हमारे पास डब्ल्यू एल ओवर टू, डब्ल्यू एल ओवर टू सपोर्ट रिएक्शन होंगे। अब हम एक सिंगल सेगमेंट बनाएंगे, हमने इसको दरमियान से कट किया है यहाँ पे देखें, ठीक हो गया, और हमारे पास अब इस कट सेक्शन के लिए यहाँ पे इंटरनल मूवमेंट एम होगा, इस एंड के ऊपर सपोर्ट रिएक्शन डब्ल्यू एल ओवर टू है और यहाँ पे यूडीएल डब्ल्यू पर यूनिट डिस्टेंस है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ मूवमेंट्स करेंगे, हमने इस पॉइंट के अलांग इसको रोटेट करना है, इसके अलांग किसी एक पॉइंट को फिक्स करना है। कॉमनली हम जब सेक्शन कट यहाँ से कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट के अलांग रोटेट कराते हैं, अब इसको हम फिक्स करेंगे और इसके अलांग हम मूवमेंट को रोटेशन लेंगे। अब हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, एक हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट है, एक हमारे पास डब्ल्यू पर यूनिट डिस्टेंस है, एक हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन है। हम समेशन ऑफ मूवमेंट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। अब एम हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक हो गया, तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह हमारे पास जो डब्ल्यू है, ठीक हो गया, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये हमने एंड फिक्स किया हुआ है, ठीक हो गया। इस एंड के अलांग इसकी रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो हमारे पास जो टोटल लोड बनेगा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एक्स, और एक्ट किसके ऊपर कर रहा होगा, हाफ के ऊपर कर रहा होगा, तो डब्ल्यू एक्स ओवर डिस्टेंस एक्स बाई टू माइनस फोर्स के लिए फोर्स रिएक्शन डब्ल्यू एल ओवर टू है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एक्स है, ठीक हो गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास कैपिटल एम के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा डब्ल्यू एल ओवर टू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैपिटल एम के लिए कैलकुलेशन आ गई है। अब हमने स्मॉल एम को कैलकुलेट करना है। अब देखें स्मॉल एम को कैलकुलेट करने के लिए जो आप जिस पॉइंट पर रोटेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अब हम ए के ऊपर कर रहे हैं तो मैंने पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई किया है, अगर आप बी के ऊपर कैलकुलेट करना चाहें तो बी के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। ये अगर आपको किसी एक पॉइंट का कहा गया है तो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। जैसे ऊपर स्टेटमेंट में हमने उसने हमें कहा है कि थीटा ए कैलकुलेट करो या थीटा बी कैलकुलेट करो, ठीक हो गया, अब हमारी मर्जी है चाहे ए के ऊपर अप्लाई कर दें या बी के ऊपर अप्लाई कर दें। अगर वो हमें फिक्स कर देता कि थीटा ए को कैलकुलेट करो, फिर हम बाउंड हो जाते, फिर हम ये मोमेंट ए के ऊपर ही अप्लाई करते। अब सबसे पहले जब हमने इस यूनिट मोमेंट वन किलो न्यूटन को अप्लाई किया है तो हमने इसके अंडर जो अब आर वन और आर टू रिएक्शन प्रोड्यूस हुए हैं हमने पहले उनको कैलकुलेट करना है। आर वन और आर टू को कैलकुलेट करने के लिए हम समिशन ऑफ मूवमेंट्स पॉइंट ए लेंगे, ठीक है, पॉइंट ए पे समिशन मूवमेंट्स लेंगे तो यहाँ पे जो आर टू है वो पॉइंट ए के थ्रू पास हो रहा है, इसमें कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। अब आर वन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, एक हमारे पास ये मूवमेंट जनरेट करेगा, एक हमारे पास ये यूनिट बेंडिंग मूवमेंट जो हमने अप्लाई किया हुआ है, इस यूनिट बेंडिंग मोमेंट की वजह से यहां पे मोमेंट जनरेट होगा। तो समिशन ऑफ मोमेंट्स विल बी इक्वल टू आर वन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एल, तो हमारे पास ये आर वन एल हो गया, और ये हमारे पास किस डायरेक्शन में, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ये वन जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा। आर वन इंटू एल माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या आर वन को अगर हम रीअरेंज करें तो विल बी इक्वल टू वन ओवर एल हो जाएगा। आर टू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लेंगे। वर्टिकल फोर्सेस जस्ट टू हैं, एक आर वन है एक आर टू है, ठीक हो गया, तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आर टू, ठीक हो गया। आर टू पहले हमने इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई है, प्लस आर वन की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी है वन ओवर एल, अब इसको रीअरेंज किया है तो आर टू हमारे पास माइनस वन ओवर एल आया है, ठीक हो गया, लेकिन ये माइनस आया है, पहले हमने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो इट मींस ये डाउनवर्ड है, हमने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया। अब स्मॉल एम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन बना है। अब देखिए यहाँ पे इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, क्योंकि ये एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे मूवमेंट जीरो होगा, यहाँ पे एक मूवमेंट ऑलरेडी वन किलो न्यूटन का अप्लाइड है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे बनेगा, और इसका एक्सप्रेशन जो बीएमडी का बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। तो हम किसी एक पॉइंट के ऊपर हम इसको कट करेंगे, ठीक हो गया, किसी एक पॉइंट पर कट किया है, कट इसलिए किया है कि हमने इन द फॉर्म ऑफ एक्स मूवमेंट को कैलकुलेट करना है,
ठीक हो गया। हमने लेट से इस किसी एक पॉइंट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ एक्स कट किया है और ओरिजिन हम सेट कर सकते हैं पॉइंट बी को, इस पॉइंट को। अब जब एक्स जीरो होगा तो मोमेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, एक्स जब एल के बराबर होगा तो मोमेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हो गए हो? नो सर, समझ आ रही है सर? क्लियर? यस सर। तलाह समझ आ रही है? तलाह? यस सर समझ आ रही है। सजिया आपको सीआर बैठा है? सर सीआर को देख लेते हैं, देखिए अब ऐड होने लगा है। सर जी नहीं नजर आ रहा है। हाँ जी सर, सीआर नजर तो नहीं आ रहा है। अब आ रहा है सर? इधर ज्वाइंट है लेकिन शायद। हाँ जी सर, ज्वाइन है तो ज्वाइन तो है। बंद है? नहीं आप ज्वाइन हुए हैं, ये आप ज्वाइन हुए हैं। नहीं सर मैंने पहले भी लिया, वो एकदम जो है ना स्क्रीन को आपकी वीडियो खत्म हो गई थी, उस वजह से मैंने लीव करके दोबारा रीकनेक्ट किया। अच्छा चलें चलें ठीक है, आगे चलें। सबको समझ आ रही है? बाकी लोग भी बैठे हैं? यस सर। यस सर। चलो जी सर आ रही है। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे सेगमेंट कट किया है, ओरिजिन इस पॉइंट को लिया है, तो ये डिस्टेंस x है। अब यहाँ पे समीशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे इस पॉइंट को फिक्स करके। अब ये 1 ओवर l जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये स्मॉल m जो है ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया हुआ है, तो स्मॉल m नेगेटिव होगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो माइनस m प्लस 1 ओवर l इट्स डिस्टेंस x, हमारे पास स्मॉल एम का जो रिलेशन आएगा 1 ओवर एल इंटू एक्स आ जाएगा। अब हम थीटा ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल एम के लिए हमारे पास रिलेशन डब्ल्यू एल ओवर टू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर टू था, और हमारे पास जो मोमेंट स्मॉल मोमेंट के लिए रिलेशन है दैट इज एक्स ओवर एल है। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ पे ये डब्ल्यू डब्ल्यू ए की चीज है, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक हो गया। बाद औकात हम यूं कर रहे होते हैं कि कैपिटल डब्ल्यू हम पॉइंट लोड के लिए लिख रहे होते हैं और स्मॉल डब्ल्यू यूनिट यूडीएल के लिए लिख रहे होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे यूडीएल ही है और दोनों ही स्मॉल डब्ल्यू ही है। अब एक्स स्क्वायर और एल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर और टू एल होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर टू हो जाएगा, और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स थ्री होगा ओवर टू एल होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक फिर हो गई है, ये एक्स थ्री है आगे मैंने करेक्ट करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें डब्ल्यू ओवर ई आई फिर कॉन्स्टेंट है, हमें इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक हो गया। डब्ल्यू ओवर टू ई आई इसको हमने कॉन्स्टेंट होकर बाहर निकाल लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स थ्री ओवर एल आया है, ठीक है। ये जस्ट हमने सिंपलीफाई किया है, ये आप कर लोगे। अब यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया है तो ये एक्स स्क्वायर एक्स थ्री ओवर थ्री हो जाएगा, लिमिट जीरो टू एल है, और ये एक्स थ्री ओवर एल है तो एक्स यहाँ पे एल फोर हो जाएगा, ठीक है, ओवर फोर हो जाएगा इंटू एल हो जाएगा। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो एल थ्री ओवर थ्री यहाँ पे एल फोर ओवर फोर एल, ठीक हो गया। ये जो नीचे L है 4 से कट जाएगा, यहाँ पे L3 रह जाएगा, तो हमारे पास L3 ओवर 3 माइनस L3 ओवर 4 आ जाएगा। अब LCM लेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास थीटा A की जो वैल्यू आएगी वो डब्ल्यू एल थ्री ओवर 24 EI आएगी। अब ये पॉजिटिव आई है, ठीक हो गया। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने बेंडिंग मोमेंट को अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन में रोटेशन है। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट किस डायरेक्शन में अप्लाई किया था। बेंडिंग मोमेंट को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, सॉरी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आंसर पॉजिटिव आया है, इट मीन्स दैट के थीटा ए की जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है, थीटा बी की वैल्यू सेम होगी, सेम रोटेशन होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक हो गया। जी सर।
अच्छा ऐसा है कि बस आज का लेक्चर यहीं तक है, और इसका थोड़ा सा टॉपिक एक दो एग्जांपल्स और रहती हैं जिसमें हम रोटेशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम 2.8 आर्टिकल के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे एक और डेरिवेशन है। तो अब हमारा जो थर्सडे को लेक्चर इस वीक होना है वो ज़रा सा, मैं थर्सडे को बिजी हूँ, वो मैं सैटरडे को लूँगा, वो तो लेक्चर टाइप होगा मैं हुनैन साहब की जगह, या बस हुनैन साहब आपको, इस्माइल साहब आपको पढ़ाते हैं सैटरडे को। नहीं सर, हुनैन साहब तो नहीं नहीं रखना। नहीं, आपको इस्माइल साहब पढ़ाते हैं, इस्माइल साहब। चले मैं आपको बता दूंगा, ये शायद लेक्चर जो थर्सडे वाला है ये स्वाइप हो के आपका शायद मैं सैटरडे को दूंगा, या तो अरेंज कर देंगे या किसी चेंज कर लेंगे। ओके सर, मुझे व्हाट्सएप करो फिर। ये 22 पार्टिसिपेंट्स यहां पे बैठे हुए हैं। जी सर। यस सर, मैं आपको भी करता हूं, मुझे वो पेज व्हाट्सएप कर दो। 22 टोटल यहां सर। ये जिया भाई मैं प्रेजेंट हूं सर। ये लेक्चर जो आपने लिखे हुए सर, ये तो सेंड कर दीजिएगा, और लास्ट लेक्चर भी सेंड कर दीजिए। हां, ये मैं सेंड कर देता हूं यार, ये मैं जरा सब सेंड कर दीजिए। जरा मैंने लगा ली है 26। ओए अटेंडिंग सर, रोल नंबर 11, रोल नंबर 30 जिया, रोल नंबर 08। मैं लगा ही रहा यार, सारे के लग जाते हैं, सबर तो कर लो। अरे सैम बोल यार, निकालेगा वो। ये मिशमल ने सही बात की है, बिल्कुल मिशमल भाई है, मिशमल बहन। ये तो कान साहब, अब तुम चेक करके बताओगे। वो तो यूनिवर्सिटी वाले ने चेंज कर दिया यार। अनस सर। हां हां, शेव नी आया अज? आया मैं सुता पिया। अच्छा और कुछ कुछ समझ वैसे नहीं आती, लेकिन हाँ ज्यादा आती है करते हैं, फिर हो जाता है सर जी। नमाने सर, लीव कर दें सर। ये आप नोट्स या कर अटेंडेंस लगा ले यार। सर मैं अटेंडेंस आपको भी लगा के पेज तो व्हाट्सएप कर देता हूं आपको। चलिए पेज मुझे 23 साजे से। या भाई मेरा लगाना ना बोलिए, 11। ओके सर, बात अभी अटेंड की है, चलो 24 हो गए टोटल इनकी मुझे अटेंडेंस। यस सर, मैं करता हूं, मैं करता हूँ सर आपको अभी पेज पे लगा सेंड कर। सर ये नोट्स वगैरह तो प्लीज सेंड कर दीजिए सर, ये आपको सेंड हो जाएंगे।